25 मार्च यानी आज वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आज ही के दिन ठीक 2 साल पहले कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये केवल संयोग है या कुछ और, इस खबर को जानने के बाद आप खुद तय कर लीजिएगा। दरअसल 25 मार्च ही वो तारीख है जब योगी आदित्यनाथ ने रामलला को टेंट से निकालकर मानस मंदिर में विराजमान किया था। 2 साल पहले ही रामलला की स्थापना के लिए योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे और लगभग 1 घंटा वहां रहे। योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजन और आरती में भी भाग लिया। योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी व संत महंतों की उपस्थिति में शिफ्टिंग का काम पूरा हुआ। नव निर्मित वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला की गरिमा का यह क्षण सदियों बाद आया है। श्री रामलला अपने नए आसन पर विराजमान होकर हम सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहेंगे। बता दें, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के हक में आया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का अधिकार दिया था, जिसके बाद 25 मार्च 2020 को रामलला को करीब 28 वर्षों बाद अस्थायी तौर पर बुलेट प्रूफ मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके साक्षी खुद योगी आदित्यनाथ बने थे। और आज ठीक उसी तारीख यानी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का विजय तिलक हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.